कुछ लोग बोलते हैं कि अभी जो हमारी जो लोकशाही है जो ये सही में ये लोकशाही लोकशाही है या हुकूमशाही है या मानवशाही है सर? ये तो हिटलर शाही है। कुछ लोग जिनको नागपुर की जनता अपने विकास के लिए अपने फायदे के लिए चुन कर देती है कि ये लोग आने के बाद में गरीबों का भला करेंगे। आज हम जैसे लोग जब नौजवान किसी बस्ती के अंदर में जाते हैं और किसी को कहते हैं कि माता जी आप अपना वोट हमें दे ताकि हम कुछ कर सके, तो वो हमसे सबसे पहले सवाल ये करते हैं कि तुमने, हर कोई आता है झूठे वादे करता है चले जाता है। आज जो कांग्रेस पार्टी के या नितिन गडकरी जी जो सभाएं लगा रहे हैं, आप खुद बताएं कि बीते 5 साल के अंदर में नितिन गडकरी जी ने कितने चौकों के ऊपर में नुक्कड़ सभाएं ली, कितने एरिया के अंदर में उन्होंने जाकर लोगों से ये बात पूछी कि तुम्हारी समस्या क्या है। नेता वो होता है, लीडर वो होता है जो गरीबों के बीच में जाकर काम करे। ये तो लोकशाही हिटलर शाही ये तो है। अभी देखिए सर, मॉब लिंचिंग के शिकार हुए 3 बच्चे मोमिनपुरा क्षेत्र के, किस रोड के ऊपर? बाकी रोड के ऊपर। मॉब लिंचिंग को रोकने की ताकत और हैसियत भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। पूरे देश के अंदर मॉब लिंचिंग का शिकार आज जात और धर्म के नाम पर हमारे एससी भाइयों को और मुस्लिम भाइयों को, इन लोगों को बनाया जा रहा है। लेकिन इस पर काबू कैसे पाया जाए? इस पर काबू तभी पाया जा सकता है जब अच्छे और ईमानदार और अच्छे लोग सत्ता के अंदर में बैठे। सर धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि आपने जो अभी अपनी बात रखी कि हिटलर शाही चल रही है, क्या ये हिटलर शाही को खत्म करके आप लोकशाही लाना चाहते हैं? बिल्कुल लाना चाहते हैं, इसी के लिए तो हम मैदान के अंदर में आए। अगर हम हिटलर शाही का मुकाबला नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ कि मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी जरूर लगती है, क्योंकि मैं सर घर से अपने दही और शक्कर खा के नहीं निकलता हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, मुझे वोट से मतलब नहीं है कि मैं किसी का वोट लेकर ही। मुझे सर अगर 2 वोट मिल जाए, एक मेरा और एक आपका, मेरे लिए वही जीत है। आज मैं लोगों के लिए अकेला काम कर रहा हूँ, कल के मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पीछे में सर साथ में खड़े। सर थैंक यू। सर मैं दीपक सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस लोकशाही को और भी मजबूत बनाने के लिए आपके अंदर में आपके दिमाग में क्या प्लान है? प्लान तो बहुत है सर, एक बार वोट डाल के चुन के आगे तो बढ़ाइए और फिर देखिए। बोलने वाले करते नहीं, करने वाले बोलते नहीं है। सर धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग का कुछ प्लान बनना चाहिए। मैं दूसरा मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो कैंडिडेट है, प्लान की बात बताऊँ तो नागपुर के अंदर में आप देखिए जितने भी सरकारी स्कूल है वो सब डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ का महानगर भी सोया हुआ है। महानगर इसलिए सोया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ के हुक्मरान ये पूरे तरीके से नींद की गोली खा के सोए। हम ये चाहते हैं कि अगर नागपुर की जनता हमें चुनकर देती है तो जितने प्राइवेट स्कूल है उसके ऊपर में ताले तो नहीं लगेंगे, लेकिन सबसे पहले लोग अपने बच्चों को ये एक कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूलों के अंदर हमारे बच्चों को दाखिला मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। उसकी वजह यह है क्योंकि हम तमाम सरकारी स्कूलों को हाईटेक एजुकेशन CBSE पैटर्न देना चाहते हैं। उसके अलावा नए कॉलेज जहाँ पे हमारे गरीब जनता, हमारे गरीब भाई जो के स्लम एरिया के अंदर में रहते, बस्तियों के अंदर में रहते, झुग्गियों के अंदर में रहते, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी की वजह से। हम ये चाहते हैं कि ऐसे नए कॉलेज खोले जाए या फिर जिन नेताओं ने हमारे पैसे से अपने कॉलेजेस खोल कर रखे उनको मुख्यधारा में लाकर, जहाँ पे 80-80 लाख रुपए लेकर एडमिशन ली जाती है उसको कम से कम धारा में लाकर और वहां पर ये इसी में प्रावधान की जाए। ये हमारा प्लान है खासतौर पर एजुकेशन के लिए। सर थैंक यू।